शहर पोलिस कमिश्नर तरीके अजय तोमर की नियुक्ति थया बाद तेओ द्वारा पोलिस अने सामान्य जनता वच्चे समन्वय बनी रहे ते माटे प्रयत्न करी रहा छे, परंतु शहर पोलिस छे जे सुधरवानुं नाम नथी लेती। पांडेसरा खाते आवेल गीतानगर में रहता अने सेल्समेननुं काम करता अमितभाई कश्यपना घरे गत तारीख 14/5/2022 रोज रात्रिना समय चोरी थयेल हती, जेमां अजाण्या चोर ईसमो घरमांथी लैपटॉप LED टीवी तेमज मोबाइल मळी हजारोनी चोरी करी गयेल हता, जेनी जेते समय अमितभाईए पोलिस मथके फरियाद पण आपेल हती ने समग्र घटनाना CCTV पण पोलिसमां जमा करावेल हता। पांडेसरा पोलिस परथी धूळ उड़ेल नथी, जेथी फरियादीए आखरे सूरत शहर पोलिस कमिश्नरने फरियाद करी न्याय माटेनी मांगणी करी छे। हवे जोवू रह्युं के पांडेसरा पोलिस फरियादनुं समाधान लावे छे के गोड़गोड़ वातो करी फरियादीने गुमराह करशे। जी अपना सर, मेरा नाम अमित कुमार कश्यप है, प्लॉट नंबर 233 गीतानगर 3 पांडेसरा में मैं रहता हूँ। आपके साथ क्या आपके यहाँ क्या घटना हुई? सर, 15 मई संडे को सुबह 3:50 पर हमारे फैमिली मेंबर है विनय शुक्ला, ठीक है, वो नीचे आए, बोले भाई आपका रूम खुला हुआ है। फिर हम लोग नीचे आकर के देखते हैं LED मोबाइल लैपटॉप हमारा सब गायब है। फिर हम लोग नीचे जाकर के देखते हैं मेरा जो कैश का पेमेंट था, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब बिखरा हुआ था। उसके बाद उस स्थल पे हमको एक ID प्रूफ मिला हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड, जो हमारे बाजू के बिल्डिंग में था। फिर हम लोगों ने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई, फिर हम लोग को लेकर के गई वहाँ पे FIR दर्ज करने को, जो हमारा सिर्फ फर्जी राइटर ने लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला आप 10:30 आओ, प्रदीप रवारी सर जो PSI हैं उनसे आप मुलाकात करो। फिर हम लोग गए वहाँ पे, उन सर को बताए तो उन्होंने भी हमारा अर्जी लिया, क्योंकि उन्होंने अर्जी इसलिए लिया कि हमारे पास बिल नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने बिल का अरेंज किया, फिर 4 दिन में वेटिंग किया। उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पे FIR करने के लिए, तो वहाँ पे साबे ऑफिसर बोलते हैं आप उनसे मिल लो, सर छुट्टी पे हैं। ये चीज के मतलब 1 हफ्ता हो गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद में फिर मैंने वीवो कंपनी में बात किया, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन बताया, वहाँ पे मैंने मेरा MI नंबर ट्रेस किया, मेरे इसी एरिया में मोबाइल का लास्ट लोकेशन बता रहा था। हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी हम लोगों ने 100 नंबर कॉल किया, पूरी सारी रिसर्च की, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में फिर हमारे आजू बाजू के कुछ लोग फरार हुए हैं, उन्हीं के गैंग में से ये लड़का मिला हुआ था जिसका आधार कार्ड मिला हुआ था। फिर हम लोगों ने उसको पकड़ा, अपने घर पे बिठाया, फिर पब्लिक वहाँ पे आई, उनको मारी, और उसके बाद में हम लोगों ने सामने से 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर वहाँ पे भेजा। फिर वहाँ पे जा करके पुलिस ऑफिसर है, शनिवार 21 मई की रात 10:15 वहाँ पे जो DSSI समथिंग है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप लोगों ने मारा है, आप लोग अंदर चलो या तो फिर समझौता करो और इनको छोड़ो। तो वहाँ पे हम लोग को मजबूरन समझौता करना पड़ा। उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग 23 मई को कमिश्नर अर्जी भी डाले, अभी तक आज 15 तारीख हो गया लगभग, ये हमारे पास में है। ये हमारा पांडेसरा पुलिस स्टेशन का है, 15 मई का है जी, और हमारा ये कमिश्नर अर्जी है, ये 23 मई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अच्छा, रसीद नहीं है? ये हमारी रसीद है जी, अभी तक हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग 3-4 बार गए भी, FIR हमारा दर्ज कर लीजिए सर, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सब बोलते थे उनसे मिल लो, और हमें यही चाहिए कि हमें इस पे जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे LED लगा हुआ था, अभी मैं 15 दिन हुआ जस्ट लाया हुआ था, अभी EMI भी नहीं भरा हूँ। अभी बैंक की तरफ से मुझे अलग से प्रेशर आ रहा है, IDFC बैंक, कि EMI आपको भरना पड़ेगा। अभी इस सब का कौन जवाब दे रहे हो? तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, मुझे पूरा मिले जी, सामान मिले हमारा, और 40,000 रुपए मेरे पास कैश भी था। TV9 इंडिया थी, राजू त्रिवेदी नो रिपोर्ट, पांडेसरा।